I can see that, yeah, right? Yeah. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें आज लाइव देखने के लिए खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची के पेज के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट एवर यूट्यूब लाइव सेशन है। मेरा नाम डॉक्टर अली फैसल है और मैं खान हॉस्पिटल के अंदर शोबे अतफाल से वाबस्ता हूँ। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं पीडियाट्रिक इन्फेक्शन डिजीज का डॉक्टर हूँ। आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ डॉक्टर शाजिया मशीर मौजूद हैं। डॉक्टर शाजिया मशीर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ OBGYN यानी कि जच्चा और बच्चा और खवातीन के जो माहिर डॉक्टर होती हैं वो हैं। डॉक्टर शाजिया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इनकी इस खवातीन के और इन्फेक्शन और उसके अंदर। डॉक्टर शाजिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपने हमें ज्वाइन किया आज। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल इस तफसीली तारुफ का। सो और हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है कि हम इस तरह से लाइव ये सेशन करें, तो उम्मीद है कि ये लोगों के लिए कारामत साबित हो। जी बहुत 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 आपने बिल्कुल सही बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा, जिसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन से और इन्फेक्शन के मुतालिक और नौ मौलूद बच्चों के अंदर इन्फेक्शन के मुतालिक। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर शाजिया, मैं आपसे एक सवाल शुरू करता हूँ और फिर हम इस तफसीलात में आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, बड़ा मेहरबानी आपके जहन में कोई सवाल हो आप प्लीज लिखिए और हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे हर मुमकिन। डॉक्टर शाजिया, आप प्लीज ये मुझे बताना पसंद करेंगे और हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं कि खवातीन को जब वो हमल के दौरान होती हैं तो आखिरी जो मरहला होता है यानी थर्ड स्टेज ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम आखिरी तीन महीने की कहते हैं, इसमें कौन कौन से खास किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं और उनसे बचाव की क्या क्या तदाबीर की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, तो जैसे आपको पता है कि प्रेगनेंसी में खौत मुदाफियत कम हो जाती है और ये एक नॉर्मल वो है कि मैकेनिज्म है कि जिसमें खौत मुदाफियत जब कम होती है तो फिर उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस या काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको पता है ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास ही होते हैं, ये सारे जरासीम हमारे आसपास ही होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो जो कॉमनली जो अमूमी तौर पे जो चीज़ें होती हैं वो तो एक ये है कि पेशाब के इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, दूसरा वजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होते हैं, तीसरा ये है कि वक्त से पहले किसी को पानी छूट सकता है या एंड जो बिल्कुल जो थर्ड ट्राइमेस्टर जो लेबर का साइन होता है उसमें भी एक निशानी उसकी ये होती है कि पानी छूट जाए। तो जब भी ये कोई ऐसी अलामत हो तो उसमें फौरन हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है हर एक को इन्फेक्शन हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि इसमें आगे जाके इन्फेक्शन हो जाए। और स्पेशली आपको पता है हमारे यहाँ वक्त से पहले भी बच्चे पैदा होने की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो प्री टर्म हम कहते हैं, और जिस उसकी कॉमन वजह इन्फेक्शन ही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बात का ख्याल रखा जाए और फौरन से रिपोर्ट किया जाए। इसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि हमने ना हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, जो आपने कहा ना कि अपने फिजिशियन से फौरी तौर पर रابطہ करें और उनसे दिखाएं ताकि अंदाजा हो सके कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। डॉक्टर शाजी, ये आप बताना पसंद करेंगी कि कुछ ऐसी गजाएं या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि खवातीन हमल के दौरान या आखिरी मरहले में कर सकें जिससे वो कुछ इन्फेक्शन से महफूज रह सकें? देखिए, प्रेगनेंसी में पूरी हमल के दौरान हेल्दी ही खाना होता है। शुरू के जो तीन महीने होते हैं उसमें
एक्स्ट्रा हमें कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें सारे जो डाइट कॉम्पोनेंट जितनी भी जो गज़ा के मुख्तलिफ पोर्शन हैं वो सब होने चाहिए, जैसे उसमें गोश्त भी होना चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, सब्जियाँ भी होनी चाहिए, जो दूध और उससे बनी हुई अशियाँ हैं वो भी होनी चाहिए। तो एक उसको मुतवाजन गज़ा जैसे हम कहते हैं, वो मुतवाजन गज़ा लेनी चाहिए। और जो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो नॉर्मली कंटिन्यू करें, जैसे अगर आप चहलकदमी कर रहे हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद होती है, कुछ लोगों को स्विमिंग कर रहे होते हैं वो स्विमिंग कंटिन्यू उसको जारी रख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं। हाँ, एंड के दिनों में आखिर के दूसरे और तीसरे जो ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान आपको 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी ही खाना चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि आप जो है थोड़ा शेक बना के पी लें, थोड़ा बाहर के खाने खा लें, उसका रिवाज ज़्यादा है, तो उन खानों से बचना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो आपको आपको पता है कि आपके वो शुगर प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन है, और उससे भी फिर इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ते हैं अगर शुगर कंट्रोल में ना हो। और दूसरा, अब जैसे बारिश का सीज़न आगे आ रहा है, तो इसमें भी जो है वो आपको पता है बाहर जो गज़ा मिल रही होती है तो उसमें बहुत चांस होता है हेपेटाइटिस ई होने का, तो और वो बहुत ही खतरनाक होता है, प्रेगनेंसी में जानलेवा होता है, तो वो सिर्फ बाहर की चीज़ें खाने से होता है। तो जिक्र निकला था तो मैं यहाँ तक पहुँच गई, अब वापस आ जाए। आपने बहुत अच्छी बात की कि दो किस्म के जो हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर हमल के दौरान जिनसे हम परेशान होते हैं, आप और खास तौर पे ना सिर्फ प्रेगनेंसी में खवातीन परेशान होती हैं बल्कि उनके होने वाले बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्शन है वो जैसा आपने बताया वो बाहर की गजा, जिसमें टाइफॉइड हो सकता है आपको, गैस्ट्रो खराब वाला गैस्ट्रो है, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ई हो सकता है। मैं डॉक्टर शाह से आपसे एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि कुछ हमारे पास हिफाजती टीके मौजूद होते हैं खवातीन को लगाने के लिए सरकार की तरफ से भी और सरकार के अलावा भी, जो कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी में भी दिए जा सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें हमारे खवातीन को जो कि सुन रही हैं इस पर, जैसे टेटनस की वैक्सीन और बाकी। बिल्कुल, जो तशन्नुज या टेटनस है इसका कोर्स बेहतर होता है कि पहले ही करा लिया जाए, लेकिन अगर किसी का नहीं हुआ हुआ है तो वो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, तो 7वें और 8वें महीने पे दो एक इंजेक्शन लगते हैं, तो अगर दो इंजेक्शन भी किसी को लग जाए तो उससे फिर वो जो एक होता है ये बच्चे की पैदाइश के वक्त तशन्नुज की बीमारी हो सकती है उससे बचा जा सकता है। तो ये एक सबसे जो अहम वैक्सीनेशन हम प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं वो ये है। दूसरा, आजकल जो जैसे आपको पता है हम सब कोविड पेंडेमिक में हैं, तो कोविड पेंडेमिक की वैक्सीनेशन सबको करा लेनी चाहिए, वो प्रेगनेंसी के कोई से भी ट्रेमेस्टर में हो, वो बेबी को फीड करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको ये सेफली ये वाली वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। उसके अलावा प्रेगनेंसी से पहले जो कराने की है वो एक रुबेला, जो हम कहते हैं कि मीजल्स मम रुबेला MMR वाली जो वैक्सीनेशन है वो, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं हो सकती, वो उससे पहले होनी चाहिए, तो वो कम से कम फिर उसके बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी ना करें, तो ये सोच के पहले ही करनी चाहिए। ये उसके अलावा हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जो हम रूटीन में सबको कहते हैं कि सब हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन करा लें, तो यूजुअली वो पहले ही अमूमी तौर पे पहले हो जाती है, लेकिन कोई इसका एक आध शॉट रह जाए या आपकी बूस्टर का टाइम आ रहा हो तो आप सेफली प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं। वो लोग जिनको के जो एस्थमेटिक हैं, और वैसे तो फ्लू की वैक्सीनेशन आपको पता है लगवानी ही होती है, लेकिन खास तौर पे वो लोग जिनको कोई सांस की बीमारी है, एस्मा है, उन लोगों को जरूर जो है वो फ्लू की वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, और वो प्रेगनेंसी में भी लग सकती है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, और मेरी बहनें जो सुन रही हैं और या वो खवातीन जो सुन रही हैं जो कि वैक्सीनेशंस के मुताबिक थोड़ी सी और मालूमात हासिल करना चाहें, तो आप प्लीज़ हमें लॉगिन करें और हमसे सवाल कर सकते हैं। आप दो किस्म की अमूमी वैक्सीन होती हैं, जैसे डॉक्टर शाजिया ने कहा कि कुछ वैक्सीन आप प्रेगनेंसी में नहीं लगा सकते, हमल के दौरान नहीं लगा सकते, वो लाइव वैक्सीन होती हैं। तो लाइव वैक्सीन को यूजली रिकमेंड नहीं किया जाता कि अगर आप हमल के दौरान हो तो लगाएं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकने का बाइस बन सकती हैं, ये नहीं कि कर सकती हो, लाजमी होगा लेकिन हो सकता है कि उसका नुकसान हो जाए। लेकिन कुछ वैक्सीन जो कि डेड वैक्सीन हैं या किल्ड वैक्सीन हैं, जैसे टेटनस की किल्ड वैक्सीन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन हैं, कुछ वैक्सीन जो कि कॉन्जुगेट हैं, जैसे कि टाइफॉइड की कॉन्जुगेट वैक्सीन है, जैसे इन्फ्लुएंजा की डेड वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस ए की डेड वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन आप बहुत आराम से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप करवा सकते हैं, और ये बहुत प्रोटेक्शन का बाइस बन सकती हैं।
अब डॉक्टर शाजी, जैसे आपने शुरुआत में बात की थी पेशाब के इन्फेक्शन की, खवातीन के खास तौर जी पे जी आखिरी जी मरहले के जी अंदर, बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगी? क्योंकि हमारी बहनें भी सुन रही होंगी और कुछ उम्मीद है कि कुछ डॉक्टर साहिबान भी सुन रहे होंगे जो कि लिंक कर रहे होंगे इन खवातीन को इलाज करने में, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? यूरिन का जो टेस्ट है उसको कैसे कलेक्ट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कलेक्शन, और उसका जो है ट्रीटमेंट के कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, और कैस और मौलिज से किस वक्त सख्त मुलाकात करनी चाहिए? जी बिल्कुल आपने बहुत ये अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये एक कॉमन इन्फेक्शन है और प्रेगनेंसी में 5% खवातीन को हमल के दौरान ऐसा होता है कि उनको कोई भी अलामत नहीं होती, लेकिन उनको वो इन्फेक्शन मौजूद होता है। और अगर वो इन्फेक्शन मौजूद हो तो उसके बहुत सारे जो उसके असरात हैं वो बच्चे पे भी हो सकते हैं और वो माँ पे भी हो सकते हैं, कि वक्त से पहले डिलीवरी है, बच्चे का वजन कम होना है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए जब आप नाम लिखवाते हैं और शुरू में ही नाम, जब शुरू के 12 से 20 हफ्ते के दौरान जो नाम लिखवा रहे हैं, तभी एक यूरिन का कल्चर हो जाना चाहिए। डीआर तो कुछ लोग करा लेते हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती। कल्चर कराना ज़रूरी होता है ताकि वो वाले इन्फेक्शन भी पकड़े जा सकें जो कि जिसकी मैं भी बात कर रही हूँ। तो एक पहला कल्चर तो वहाँ पे हो जाना चाहिए, और अगर वो नॉर्मल है उसमें तो, और पूरी प्रेगनेंसी उनको और कोई अलामत नहीं होती पेशाब के इन्फेक्शन की, जिसमें कि पेशाब में जलन होना है या बुखार का आना है या पेशाब में खून का आना है, ऐसी कोई अलामत हो, तो फिर वो कल्चर दोबारा से रिपीट होगा और उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक कलेक्शन की बात है, तो उसको हम कहते हैं कि आप मिड स्ट्रीम यूरिन दें। तो मिड स्ट्रीम यूरिन ये होता है कि थोड़ा सा पेशाब कर लें कमोट में, उसके बाद उस हिस्से को अच्छी तरह साफ करें और फिर उसको उस बॉटल में दें। और यूजुअली वो जो बॉटल है वो आप लेबॉरेटरी से ही लें, घर से किसी बॉटल में लेके ना जाएं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत अच्छा आपने है। कहा, और ये एक आखिरी चीज जो कि इसके अंदर मैं चाहूंगा आप हमें थोड़ा सा बताइए कि कुछ लोग जो है आम तौर से जिसको हम लिक्योरिया कहते हैं या पानी के अखराज का अमल कहते हैं, उसको भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन तसव्वुर किया जाता है और बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि मेरी बहनें इस वक्त सुन रही हैं और बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो आई एम श्योर कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाती होंगी, तो आप इस मुतालिक इनको क्या बताना पसंद करेंगी? जी, जो ये लिकोरिया है ये आमतौर पे ज़्यादातर 80% से ज़्यादा खवातीन में ये नॉर्मल ही होता है। थोड़ा सा ये जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्चार्ज है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर उसमें कोई एक कहते हैं हम ऑफेंसिव स्मेल जो है, अगर वो नहीं आ रही या बहुत ही कोई आपको लगे कि उसका कलर चेंज हो जाए, जैसे सफ़ेद है या वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर लाइट ग्रीन है या कोई और आपको कलर महसूस हो रहा है तो ये वो, या बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो ये वो है जिस पे कि टेस्ट होना चाहिए। और फंगल इन्फेक्शन जो कैंडिडियासिस है, ये एक कॉमन इन्फेक्शन है। अगेन वो दोबारा, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता है क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, तो ये एक हमल के दौरान भी 2 से 3 दफ़ा हो सकता है, एक दफ़ा हो सकता है, और उसको कभी कभी बार बार इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उनको कोई अलामत हो रही हो तो फिर इसका इलाज जरूरी होता है। तो एक तो ये फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं कॉमन है, जिसमें कि कैंडिडियासिस सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। दूसरा तो एक इन्फेक्शन है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। जी, मैं इस पे जी आ रहा था जी डॉक्टर शाजिया, मैं इस पे आ रहा जी था कि क्योंकि आपको पता है, आप तो बात बच्चों के करके डॉक्टर हैं और आप इस पे अक्सर आप मैं जी बिल्कुल इस पे आ रहा था, मैं सिर्फ दो चीजों के मुताबिक बताना चाहूंगा कि हमारे जी आप बताएं। मरियम ने हमसे पूछा है कि क्या ये सेफ है कोविड की वैक्सीन फर्स्ट जी ट्राइमेस्टर में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो मरियम बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोविड की वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, किसी भी प्रेगनेंसी में लगवा सकते हैं, किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा सकते हैं, और इवन प्रेगनेंसी के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तब भी लगा सकते हैं। ये बहुत सेफ है, बहुत प्रोटेक्टेड है, और इससे आई एम श्योर आप ना सिर्फ आप प्रोटेक्ट रहेंगे बल्कि आपका जो होने वाला बच्चा है इंशाल्लाह वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तशन्नुज के मुतालिक सवाल किया गया था कि तशन्नुज क्या है, सो मैं सिर्फ बता दूं कि तशन्नुज खवातीन के अंदर नहीं होता है, खवातीन को वैक्सीन दी जाती है जब वो प्रेगनेंट होती हैं, जिसको हम कहते हैं टेटनस। तो टेटनस की वैक्सीन है जो कि आमतौर से अगर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है और वो हिफाजती टीकों के मरकज जाता है, तो उसको 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे जो वैक्सीन लगती है, एक जमाने के अंदर DTP वैक्सीन होती है, डिफ्थेरिया टेटनस एंड पर्टसिस, टू टेटनस टी जो था उसके अंदर वो, और आजकल पेंटावेलेंट लगती है, पेंटावेलेंट जो बच्चों को लगती है, जिसमें 5 वैक्सीन होती हैं उसके अंदर टेटनस शामिल होती है। अगर तो किसी को 5
प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के अलावा भी दो और वैक्सीन लगे हों तो 5 वैक्सीनेशन की जरूरत थी जिंदगी भर इम्यूनिटी देने के लिए, टेटनेस के लिए। तो वो मेरी बहनें जो जिनको प्राइमरी सीरीज का याद नहीं है और प्रेग्नेंट हो जाती हैं और डॉक्टर शाजिया के पास जाती हैं या डॉक्टर शाजिया की किसी और कुलीग के पास जाती हैं, तो डॉक्टर शाजिया ने बहुत क्लियरली बताया कि जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है उसमें टेटनेस की वैक्सीन लगते हैं, कभी 2 शॉट लगते हैं, कभी 3 शॉट लगते हैं, और अगर आपको फर्स्ट टाइम शॉट लग चुके हो तो सेकंड प्रेगनेंसी में कम शॉट लगते हैं वैक्सीन की। ये इसका मकसद जो है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के अंदर इम्यूनिटी देना है ताकि आपके बच्चे को प्रेगनेंसी के बाद न्यूनेटल टेटनेस यानी कि पैदाइश के फौरन बाद नौ मौलूदगी का जो टेटनस होता है, तशन्नुज होता है, वो ना हो जाए। ये बहुत जानलेवा बीमारी है, इसके अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा जो है सख्त हो जाता है, उसको गर्दन तोड़ बुखार जाता है, उसके सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो सांस नहीं ले पाता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी हुई है, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे वैक्सीन अवेलेबल है, और जो 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 भी इस वक्त हमारी बात सुन रहा है अगर उसको वैक्सीन नहीं लगी टेटनस की, तो बड़ा मेहरबानी चाहें और टेटनस की वैक्सीन को अपनी फिजिशियन से कह के लगवाएं। आई एम श्योर ये हिस्सा भी है। डॉक्टर शाजिया, आप जरा इस पे बताना पसंद करेंगी, जो आप अभी ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस की बात कर रही थी जो कि एक खराब किस्म का इन्फेक्शन है, इसके मुताबिक क्या आप हमारे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको गाइड करेंगी? देखिए, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ये एक जो वजाइना में नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म है या एक जरासीम है जो कि मौजूद होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इन्फेक्शन करे और ये इसकी कोई अलामत हो, तो हर दफा इसकी अलामत नहीं होती, लेकिन अगर किसी को लिकोरिया की बीमारी है और वो एक वजाइनल स्वाब, एक टेस्ट होता है जो लिया जाता है, और उसके अंदर ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस आ जाए, तो उन सब लोगों को एंटीबायोटिक लगनी जरूरी होती है। और वो एंटीबायोटिक जो है वो उस वक्त अगर उसको पहले से इलाज की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी में उसका इलाज नहीं होता, लेकिन जब वो लेबर में आते हैं और जो वाटर बैग है उसको रप्चर होने से पहले पहले वो एंटीबायोटिक लगनी जरूरी होती है, ताकि जब बच्चा उस रास्ते से गुजरे तो वो वाला जो इन्फेक्शन है वो बच्चे को ना लग जाए। तो इसका लेबर में या हम जो दर्द है उसके दौरान उस एंटीबायोटिक को मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो लोग जिनको कि पेशाब के इन्फेक्शन में भी ग्रुप B आ जाता है, तो उनको पहले भी इलाज की जरूरत होती है जिस वक्त वो इन्फेक्शन आया, और उनको फिर लेबर में भी दोबारा से एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो ये वो ग्रुप है जिसमें दोनों दफा एंटीबायोटिक मिली। बिल्कुल सही बात है, और मैं इस कंटिन्यूशन में सिर्फ ये बताना पसंद करूंगा मेरे सुनने वालों को और देखने वालों को कि ये अगर मदर को हो तो मदर से ट्रांसमिट हो सकता है बेबी के अंदर, और बेबी के अंदर जब ये ट्रांसमिट होता है तो ये कभी कभी बहुत ज्यादा खराब किस्म का इन्फेक्शन कर सकता है ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल। और जब ये इन्फेक्शन होता है तो ज्यादातर वक्त के अंदर ना सिर्फ ये खून में जाता है बल्कि फौरन से दिमाग के अंदर शामिल हो जाता है और बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार करता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपके फिजिशियन ने जैसे अप्रोप्रिएटली आपको गाइड किया हो फौरन से उसका इलाज करवाना शुरू करें। इसमें कमर के पानी का टेस्ट भी होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, अगर कमर के पानी का टेस्ट नॉर्मल आए तो दवाइयाँ 14 दिन दी जाती हैं, 10 से 14 दिन, और अगर पॉजिटिव आए तो 21 दिन देनी पड़ती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल, इसलिए आपके फिजिशियन जब आपका टेस्ट भिजवाएं तो बराए मेहरबानी उसको फॉलो करें और उसकी सारी की सारी जो प्रोज एंड कॉन्स है अपने फिजिशियन से जरूर डिस्कस करें। जी, हानि तो ने हमसे डॉक्टर सवाल हानि ने आप हमसे सवाल किया है कि कोविड वैक्सीनेशन नर्सिंग मदर के लिए सेफ है कि नहीं है, तो बिल्कुल जी हम उसका जी जवाब दे चुके हैं, सेफ है। बिल्कुल डॉक्टर शाजिया, मिस फातिमा जहरा ने आपसे सवाल किया है, इन्होंने कहा है कि दो सवाल हैं कि एक तो ये कि इनको हेमोरॉइड्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान और दूसरा ये कि कुछ मूड स्विंग्स होते हैं। सो मैं एक चीज ऐड कर दूंगा बाकी फिर आप कंटिन्यू जी कीजिएगा कि जी हेमोरॉइड जो बिल्कुल है वो इन्फेक्शन नहीं है, हेमोरॉइड जो है प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं और उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसको इन्फेक्शन के तौर पर तसव्वुर करें। और मेरे ख्याल हेमोरॉइड्स के मुताबिक थोड़ा सा बता दें, मूड स्विंग जो है हमारा आज का प्रोग्राम क्योंकि इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो हम कोशिश करेंगे कि आप को हाँ हम इन्फेक्शन से मुताबिक मालूम फराहम कर सकें। सही डॉक्टर जी। तो हेमराइड्स या बवासीर जो है ये कब्ज की वजह से हो जाते हैं, और कब्ज जो है वो हमल का एक कॉमन सिम्टम है, मतलब हो जाता है, ये अलामत हो जाती है। तो इसमें सबसे जो पहली चीज है वो ये कि पानी का अच्छा इस्तेमाल और हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट का मतलब है कि चावल कम खाएं, रोटी का इस्तेमाल करें, कोई ना कोई फल जरूर खाएं,
और पानी बहुत अच्छा पिए और थोड़ा सा आप चहलकदमी या वॉक जरूर करें। अगर आप ये सब करेंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कब्ज नहीं होगा। और अगर हेमराइड्स तक की नौबत आ गई है तो फिर आपने इस्बगोल की भूसी का भी रेगुलर इस्तेमाल करना है। और कभी कभी उसमें से खून भी आने लगता है, ऐसी कोई हालात है तो फिर आपको जनरल सर्जरी के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी प्रेगनेंसी में। और बिल्कुल मुझे इनके इनकी बात से ऐसा लगता है कि इनको पानी जो ये कम पी रही है ये मेन रीजन है, क्योंकि मूड स्विंग्स भी कम पानी पीने से और नींद ना पूरी होने से होते हैं। तो बस एक छोटी सी बात यह है कि आप पानी अच्छा पिए, नींद पूरी करें, फिर भी आपको मूड स्विंग्स हैं जो कि 90% खवातीन को प्रेगनेंसी में होते हैं, तो फिर आप जरूर हेल्प लें और साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि एट टाइम्स थोड़ी छोटी सी दवा भी आपको बहुत फायदा कर देती है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने पानी के मुताबिक कहा, तो बराए मैं पानी पानी को उबाल के पिए, पानी को फिल्टर करके पिए। पानी को उबाल के पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो हम कैन वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है। फिल्टर होना पानी का जरूरी है और पानी का बॉयल होना जरूरी है। आपको बैक्टीरिया से बचना है, आपको वायरस से बचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पानी को सही से सही तरीके से इस्तेमाल करें। उमेश शाफी ने हमसे सवाल किया था लेकिन वो इन्फेक्शन रिलेटेड नहीं है। सो उमेश शाफी आई एम सो सॉरी, लेकिन हम आपको बाद में आराम से गाइडेंस दे देंगे इसके मुताबिक। न्यूनेट के इन्फेक्शन के मुताबिक मैं, अगर डॉक्टर शाजिया आपकी इजाजत हो तो ये मैं बताना पसंद करूंगा कि न्यूनेट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए खवातीन क्या कर सकती हैं, हमारी बहनें। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग, अपने बच्चों को अपना फीड कराएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका जो मिल्क है उसमें सारी एंटीबॉडीज हैं, उसमें इन्फेक्शन से बचने के सारे तरीके हैं, उसमें न्यूट्रिशन है, उसके अंदर हर वो चीज़ है जो कि आपके बच्चे को तवाना नशोनुमा के हिसाब से, ताकतवर इम्यूनिटी के हिसाब से कर सकती है। तो अपने अपना सबसे पहले काम ये कि ब्रेस्ट फीड करना। और जो शुरू के 7 डेज में या 48 आवर्स टू 7 डेज के अंदर जो क्लोस्ट्रम आता है, जो इनिशियल मिल्क होता है, वो बहुत रिच होता है। और हमारी जितनी भी बहनें हमारी सुन रही हैं वो कोशिश करें कि आप लाजमी तौर पे 48 आवर्स का जो मिल्क है वो लाजमी बच्चे को दें। जितना ज़्यादा दे सकेंगे उस ज़्यादा इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। बच्चे को रोज़ नहलाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग नहलाने से पहले मसाज करते हैं। नहलाने से पहले मसाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं स्किन के ऊपर। तो नहलाने के बाद हल्का हल्का सा मसाज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से मसाज किया जा सकता है जिससे आपका बच्चा न्यू बॉर्न जो है वो इन्फेक्शन से महफूज हो सकता है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है नाफ बच्चे की। उस नाफ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से जब आप दाखिल हो अस्पताल के अंदर और जब आपका बच्चा डिलीवर हो तो नर्स टीम से पूछ के जाएं कि कैसे क्लीन करना है उसको। सिंपल सा अल्कोहल वाइप्स हमारे पास मिलते हैं, उनसे क्लीन किया जा सकता है। उसकी बेस ऑफ स्टम्प यानी कि नाफ की जो अंदरूनी तरफ है बाहर से उसको साफ किया जा सकता है। आखिरी चीज़ जो कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ें याद रखें जिससे आपको फ़ौरन से फिजिशियन से रुजू करना है। जैसे कि अगर आपका बच्चा रो रहा हो मुस्तकिल रोना इन्फेक्शन की अलामत है। आपका बच्चा फीड ना ले रहा हो, फीड ना लेना इन्फेक्शन की अलामत है। आपका बच्चा ठंडा हो रहा हो, ठंडा होना इन्फेक्शन की अलामत है। हमारे यहाँ लोग गर्म होने पे ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर रैप किया हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी इतना रैप करें जितना आपको जरूरत है। और खास तौर पर ये जो अलामतें मैंने आपको बताई हैं कि बच्चा फीड नहीं ले रहा, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बच्चा ठंडा हो रहा है, तो ये सारी इन्फेक्शन की अलामतें और फौरी तौर पर डॉक्टर साहिबान से रुजू करें। डॉक्टर शाजी आपकी तरफ दोबारा से आते हैं, ये बताइए कि हाँ आम तौर से हमारे यहाँ जो खसरे की वैक्सीन है वो बहुत कम है कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो फर्स्ट मीजल्स की वैक्सीन है वो उसका जो बच्चों के अंदर वो है 30-40%, दूसरी डोज थोड़ी सी और कम कर लें आप। तो ख्वातीन हमारे पास जब आती हैं और आपके पास वो प्रेग्नेंट होने के बाद आती हैं तो आप, क्योंकि आप और मैं हम देखते हैं ऐसी ख्वातीन जिनको खसरा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान और उनके साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो आप उनको क्या गाइडेंस देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्होंने उन्होंने देखनी है खसरे के हवाले से, और अगर अल्लाह नहीं करे कि उनको खसरा हो जाता है तो वो क्या क्या तदाबीर अख्तियार कर सकती हैं और आपके पास या फिजिशियन के पास कैसे आ सकती हैं? और जी बिल्कुल। देखिए खास तो यही है कि आपको एक बॉडी पे रैश फील होगा, बुखार होगा, इस तरह की कोई अलामत हो तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर से रुजू करना है। यूजुअली आमतौर पे इन मीजल्स भी जो है वो इन्फेक्शन फर्स्ट ट्रेमेस्टर में करता है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक फिर भी वो नहीं होता। तो उसमें बेस और जो खातून है उनको जो ट्रीटमेंट लेनी होती है उस वक्त वो यही होती है कि आप जो है अगर बुखार हो रहा है तो बुखार की दवा ले लें,
अगर साथ ना फ्लू हो रहा है तो उसकी उसके लिए आप कोई एंटी एलर्जिक कोई दवा ले लें, लेकिन उसके अलावा और किसी दवा की जरूरत नहीं होती। हाँ, तो उससे बचने के लिए ये होता है कि आप जो है आप देख लें कि आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो अगर जो स्कूल्स में जॉब कर रहे होते हैं या नर्सरी में या डे केयर सेंटर में, उन लोगों को क्योंकि बच्चों से ही ज्यादा लग रहा होता है तो वहां पे ये होने का रिस्क है, और उन लोगों को अपना ख्याल रखना होता है। आजकल तो हम वैसे ही सब मास्क पहने हुए होते हैं तो उसका रिस्क वैसे ही जो है वो आजकल कम है। तो इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं करा रहे होते। अगर किसी को हो जाए कि आप ये टेस्ट करा लें, क्योंकि अब आपको पता है वो देख के ही उसकी डायग्नोसिस होती है, तो इसलिए हम उसके लिए जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज जो इससे क्लोज है वो ये कि चिकन पॉक्स अगर किसी को हो जाए तो वो भी उसे उसके भी इसी तरह की अलामत होती हैं। तो उसमें भी यही होता है कि आप फिर एक डिटेल्ड स्कैन करा रहे होते हैं, जिसको कि अगर किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो एनोमली स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी अच्छी जगह से रिलायबल जगह से होना जरूरी होता है ताकि पता चले कि बच्चे की बनावट में कोई खराबी तो नहीं है। तो जी, ये सब बहुत तो बहुत बात इंपॉर्टेंट बात की रोकशाजी ने। मैं इसमें यहाँ पे एक चीज ऐड करता जाऊँ कि क्या किसी भी ट्राइमेस्टर के अंदर हमल के किसी भी महीने के अगर आपको बुखार हो और आपके पास जिस्म पे रैशेज अपियर हो, चाहे वो लाल हो चाहे वो पानी जैसे हो, फौरन तो आप इसे अपने फिजिशियन से रुजू करें, क्योंकि ऐसे दौरान में बहुत सारी इन्फेक्शन है जो एक जैसे प्रेजेंट करते हैं और उससे कुछ ना कुछ ताल्लुक हर इन्फेक्शन का जो है वो आपके बच्चे से हो सकता है। तो बरए मेहरबानी जब भी आपको बुखार हो और आपके जिस्म पे कोई लाल किस्म के धब्बे, रैशेस या कुछ पानी के छाले निकलने लगे तो फौरन से रुजू करें। इसमें एक खास किस्म की बीमारी होती है जिसको हम हर्पीस कहते हैं, और मैं डॉक्टर शाजे से भी इसमें मालूमात हासिल करता हूँ और वो आपको बताएंगे। हर्पीज आमतौर से स्किन के अंदर निकलता है और ये लाल और काले रंग के दाने होते हैं, क्लस्टर्स की सूरत में होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। आमतौर से मुंह के अंदर छाले भी ऐसे वक्त में हो जाते हैं, बुखार ज्यादा होता है और कुछ लोगों को बार बार होते हैं जिसको हम शिंगल्स कहते हैं। अगर ऐसे वक्त के अंदर प्रेगनेंसी के आखिरी मरहले के अंदर हो तो ये एक अच्छी बिल्कुल बीमारी तसव्वुर नहीं की जाती। ना सिर्फ मदर के लिए तो प्रोटेक्शन होती है लेकिन बच्चे के लिए बहुत सेफ नहीं है। तो अगर ऐसी कोई अलामत आपको जाहिर हो रही है, और डॉक्टर शाजिया अभी इसके मुताबिक मजीद भी बताएंगी, तो फौरन से आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बताना है ताकि आपका और आपके बच्चे को फौरन से तहफ्फुज और मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं ना कि शुरुआत से ही आपको उस टेबल पे रख लिया जाए ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। डॉक्टर शाजिया, आप इस मुताबिक कुछ हमें और हमारे सुनने जी वालों को बताना पसंद हाँ, करेंगे? जब भी किसी को ये हर्पीज होता है तो ये एक्चुअली उस पर दर्द इतना शदीद होता है कि वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता ही है। तो क्योंकि दर्द बहुत शदीद होता है, तो अगर वजाइनल एरिया में किसी को हर्पीज हो रहा है और एंड बिल्कुल आखिर के दिनों में हो रहा है तो उसका इलाज तो उस वक्त कर दिया जाता है, और उसको जो उसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वो मिल जाती है और वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद फिर वो डिलीवरी सिजेरियन से होती है, क्योंकि उसमें फिर बच्चे को जो है वो हर्पीज होने का चांस 41% होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को होता रहा है और बार बार होता रहा है तो उसमें फिर रिस्क कम होता है, क्योंकि फिर वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें यही है कि वो आपको वो जो ब्लिस्टर्स बनते हैं या जो जो वो बनते हैं वो होते ही इतने पेनफुल हैं, और पेशाब में तकलीफ और वो सारी चीजें, कि फिर आप डॉक्टर के पास तो जा ही रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं। तो उसके बाद आपको हाइजीन या अपने उसका ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, और ये जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है ये दी जाती है इसके लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट वैसे भी सेफ है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया। एक एक और सवाल हमारे पास आया है जिसमें मुझे आप थोड़ा सा हमें भी गाइडेंस दें इसके अंदर कि इन्फेक्शन में क्या प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो सकती है, या IUGR जिसको स्मॉल जेस्टेशनल एज, क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो उसको कैसे कैसे हल किया जा सकता है इस मसले को? देखिए, अगर कोई ऐसा सा इन्फेक्शन है कि कोई बहुत एक्यूट सा इन्फेक्शन है, और जो आप ये कहें कि बिल्कुल अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आखिर के दिनों में किसी को ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें तो कम चांस होता है कि प्लेसेंटल इनसफिशेंसी होगी। हाँ, अगर किसी को बिल्कुल शुरू में है, जैसे अभी आपने मीजल्स की बात की, तो मीजल्स में ऐसे प्लेसेंटल इनसफिशेंसी नहीं होती, लेकिन बच्चे का वजन कम हो सकता है और फिर वो स्टिल बर्थ का चांस हो सकता है। और शुरू के दिनों में जो आप फर्स्ट ट्रेमेस्टर की बात कर रहे थे उसमें मिसकैरेज हो सकता है, फिर हम कहीं और चले गए। तो जो हम IUGR और इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह के इन्फेक्शन है, जैसे मलेरिया है,
किसी को मलेरिया हुआ हुआ है तो उसमें फिर IUGR का रिस्क हो सकता है। आजकल कोविड में अगर किसी को बहुत शुरू में हो गया है तो कहते हैं मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और आप अपने हर महीने अल्ट्रासाउंड एंड में करवाएं क्योंकि इसमें फिर रिस्क हो सकता है। लेकिन वो इन्फेक्शन है जैसे UTI है, यूरिन इन्फेक्शन जिसकी मैंने बात की, उसमें लो बर्थ वेट हो सकता है, मतलब स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज लो बर्थ वेट, आपको पता ही है जो सारी टर्म्स हैं हम यूज कर रहे होते हैं, तो कुछ इन्फेक्शन में हो सकता है, हर एक में नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर शाहजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक दो चार बातें और ऐड करना चाहूँगा रिलेटेड न्यूनेटल इन्फेक्शन से। एक तो न्यूनेटल जो इन्फेक्शन है वो दो किस्म के होते हैं, एक तो अर्ली ऑनसेट कहलाते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि बच्चे को पैदाइश के 72 घंटे के अंदर हों शुरू के, और वो आम तौर से उसका ताल्लुक उस इन्फेक्शन से है जो कि वो मदर से कैरी करता है और आगे जाके उसको कंटिन्यू कर सकता है, जिसके अंदर जैसे डॉक्टर शाहजी ने बताया कि मदर को यूरिन का इन्फेक्शन हो या ग्रुप बी इन्फेक्शन हो या मदर को हर्पीज हो या मदर को वेजिनल कैंडिडियासिस हो, वो सारे इन्फेक्शन जो कि मदर को पॉसिबल हो और उसकी वजह से अगर खुदा ना खासा बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये इनिशियल स्टेज के इन्फेक्शन कहलाते हैं। कुछ लेट इन्फेक्शन होते हैं, लेट इन्फेक्शन आमतौर से कम्युनिटी एक्वाइर्ड होते हैं, हम जब घर जाते हैं हमें बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, हमारे बच्चों को मुंह पे प्यार करते हैं, सो ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शंस को। आमतौर से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं खांसी नज़ला जुकाम वाले छोटे बच्चों के इन्फेक्शन, वो लोगों के माउथ से ट्रांसफ़र होते हैं, और वो आमतौर से आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है कि जब तक प्यार नहीं कर लें, जब तक किस ना कर लें, जब तक हग ना कर लें, पूरा प्यार पहुँचता नहीं है, तो कोशिश करें कि ऐसी सूरत के अंदर छोटे बच्चों को थोड़ा सा मुँह पर प्यार ना करें, अगर आपने प्यार करना है तो हाथ और पाँव पर कर लें। एक बहन ने सवाल किया है कि मेरे बच्चे को सांस में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और उसको वीजिस भी आने लगती थी, रात में खांसी भी करता है, अभी 20 दिन का है, मैं क्या करूं? इसका जवाब बहन यही है कि ज्यादातर बच्चों को नाक से नाक बंद होने की वजह से आवाजें आती हैं। अगर नाक बंद होने की आवाज़ें हैं तो नाक से स्नोरिंग की आवाज़ भी आएगी, सीटियों की आवाज़ भी आएगी, और हर वक्त आवाज़ जो है सांस लेने में आती रहेगी। ऐसी सूरत के अंदर नाक में डालने वाले कतरे मिलते हैं, उनको ठंडा करके फ्रिज में रखिए और ठंडा करके एक कतरा सीधी नाक में, कतरा उल्टी नाक में डालिए। बच्चे को थोड़ा सा ऊँचा करके लिटाइए, जितना आप ऊँचा करके लिटाएंगे उतना प्रोटेक्शन रहेगी। सीधी करवट से और उल्टी करवट से लिटाइए, सीधा मत लिटाइए, सीधा लिटाने से खांसी हो उसके बाद उल्टी हो सकता है तो एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो करवट से लिटाइए, नाक में कतरे डालिए, रोज नहलाएं, रोज नहलाएंगे प्रोटेक्शन रहेगी और आपका बच्चा सेफ रहेगा। डॉक्टर शाहजी, आप ये हमें बताएं कि इन्फेक्शन जो है दो किस्म के होते हैं, एक तो अमूमी इन्फेक्शन जो कि पाकिस्तान में हर वक्त मौजूद होते हैं आम हालात में, जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, सीजनल डेंगू है, हेपेटाइटिस है, ये तो हमारे पास आते ही रहते हैं हर हर दौरान। ये जो सीजनल इन्फेक्शन के साथ साथ जो हर वक्त के इन्फेक्शन है, ये प्रेगनेंसी में कितना ज्यादा असर डाल सकते हैं और ऐसी सूरत के अंदर क्या हिफाजती इकदाम हैं जो कि करने की जरूरत है? आप कौन से वाले इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जो पहले से उनको मौजूद है, हेपेटाइटिस वगैरह की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उन इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि अमूमी तौर पे हमारे पास हर वक्त मौजूद रहते हैं, पूरे साल हमारे पास ऐसे मरीज आते रहते हैं, जैसे मलेरिया का मरीज, हमारे पास टाइफाइड के मरीज, तो ऐसी सूरत के अंदर जब हो, और आपने ये जरूर इस पर भी बताइएगा कि जो नॉर्मल कॉफ एंड फ्लू है, जो खांसी है, इसको क्या तस्वीर किया जाए, क्या कोविड हो सकता है कि नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है कि नहीं खांसी नज़ला ज़ुकाम में तो नहीं, कोविड का टेस्ट नहीं कराएंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, तो ये जो डर है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, डर जो है वो आपको टेस्ट करा लेना में खुद की भी बेहतरी होती है और जो आपके आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उनकी भी बेहतरी होती है, और अगर प्रेगनेंसी है, हमल है, तो उसमें टेस्ट करा लेना बेहतर ही होता है, क्योंकि अगर वो टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आप ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे और आप अपने बाकी के काम भी कर सकेंगे, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपके जो आप तो शायद उस टेस्ट से आपको इतना मसला ना हो क्योंकि आप यंग हैं, जवान हैं, आप उस टेस्ट से निकल आए, लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं और आपको वो इन्फेक्शन हुआ है और आप टेस्ट नहीं करा रहे और सबके साथ बैठ रहे हैं, तो फिर उन सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और उनकी जान को ज़्यादा खतरा हो जाएगा, तो इसलिए इस टेस्ट को करा लेना बेहतर होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको जो नज़ला खांसी बुखार है वो कोविड की वजह से ही हो, लेकिन ये सोचते हुए कि अभी हम पेंडेमिक में के दौरान हैं और अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो टेस्ट करा लेना बेहतर ही होता है, ज़्यादातर टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा और
अब तो पैसों का भी, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट या बगैर पैसों के भी ये टेस्ट हो रहा है, तो सब लोग इस टेस्ट को आसानी से करा सकते हैं, बस इतनी जहमत होगी ये जाके कराना पड़ेगा। और प्रेगनेंसी में अगर किसी को, जी एक और सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है कि जब कोई खातून हमल के दौरान आपके पास आती हैं, तो आप कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं इन्फेक्शन के? जैसे मुझे लगता है, हाँ जैसे आई एम श्योर आप मुझे गाइड कीजिएगा, और अगेन हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, टॉर्च जी का होता है, तो वो कौन कौन से टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि हर फर्स्ट एटलीस्ट हर प्रेगनेंसी में जरूर करवाने चाहिए और ये जरूरी है? देखिए, इन्फेक्शन के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें से हेपेटाइटिस बी और सी का हम कराते हैं। हम एचआईवी का नहीं कराते, लेकिन कराना चाहिए जब से हमारे यहाँ ये आप एक जो आपको पता है इतना ज्यादा सिंध में हुआ था, तो उसके बाद कराना चाहिए हमें। फिलहाल अभी हमने शुरू नहीं किया, लेकिन होना चाहिए। उसके अलावा जो यूरिन का टेस्ट है, यूरिन कल्चर है, वो हम सबका करा रहे होते हैं। और अगर फिर कोई अलामत होती है तो उसके हिसाब से हम टेस्ट कराते हैं। लिकोरिया हो तो फिर उसके टेस्ट होते हैं, किसी को कोई और सिम्टम हो रहा है, खांसी, कोई और अलामत हो रही है तो उसके हिसाब से टेस्ट हो रहा है। टॉर्च हम हर एक का नहीं कराते, किसी की कोई पुरानी हिस्ट्री हो जिसमें के आप बच्चे ने सर्वाइव नहीं किया, या कोई प्रॉब्लम हुए, या कुछ हमें कुछ ऐसी है उसकी बनावट की खराबियां थी जिससे हमें शक हो कि इसको, जो बच्चों के इन्फेक्शंस होते हैं पैदाइशी जो कि बच्चे से माँ को लगते हैं, वो हो सकते हैं, तो फिर हम टॉर्च कराते हैं। आपको पता है ये वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये हमारे यहाँ टेस्ट करना भी मुश्किल है और उसका इलाज करना भी मुश्किल है, तो वो वाले तो हम नहीं कर रहे। और सही बात है कि इसके ना सिर्फ टेस्ट टेस्ट करना मुश्किल है, बल्कि टेस्ट एक्यूरेट टेस्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, एक्सैक्टली, जो जो कि जो टॉर्च एबिलिटी के टेस्ट टेस्ट है। हैं या बाकी टेस्ट हैं उनकी अवेलेबिलिटी, टेस्ट की अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमसे एक और सवाल किया है बहने कि कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान सिस्ट हो जाए, मुझे नहीं पता कि इसका इन्फेक्शन से कितना ताल्लुक है, तो अगर आप बता सकें कि अगर सिस्ट हो जाए तो उसको क्या, एक मिनट के अंदर बताइएगा प्लीज़। अच्छा देखिए, यूजुअली आमतौर पे सिस्ट जो है ना, प्रेगनेंसी के शुरू में सिस्ट नॉर्मली बनती है, जिसे हम कॉर्पस लूटियल सिस्ट कहते हैं, और वो प्रेगनेंसी की वजह से ही होती है, और वो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती है। कोई इन्फेक्शन वाली सिस्ट प्रेगनेंसी में होना होता नहीं है, अनलेस के कोई ओवरऑल कोई बहुत पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे हम कहते हैं, इस तरह का कोई मसला हो जाए, जो कि अमूमन प्रेगनेंसी में नहीं होता। तो सिस्ट का इलाज प्रेगनेंसी में नहीं होता, और एक दफा प्रेगनेंसी जो है वो हमल पूरा डिलीवरी हो जाए और उसके बाद वो सिस्ट मौजूद रहे, तो फिर उसके इलाज की जरूरत होती है। सिस्ट का इलाज सिर्फ उस सूरत में प्रेगनेंसी में होता है जब शदीद किस्म का पेट में दर्द हो रहा, हमें ये शक हो कि वो सिस्ट जो है वो अपने वो टॉट तो नहीं हो गई, या ऐसा तो नहीं है कि वो ओवरी को नुकसान पहुंचाने लगेगी तब, या उसमें कोई ऐसी खतरनाक सी सिस्ट में अलामत हो जिसकी वजह से हमें लगे कि इसको ऑपरेट करना जरूरी है, तो वो होता है, तो फिर वो सेकेंड ट्रेमेस्टर में होता है। लेकिन वो सिस्ट पहले से लोगों को पता होती है, अचानक से यूजुअली सामने नहीं आती, तो सिस्ट का नहीं करते हम ऑपरेशन यूजुअली। एक और सवाल आया जिसका मैं जवाब देके फिर एक इम्पोर्टेंट चीज के मुताबिक बताऊंगा आपको। एक सवाल आया कि अगर एक फीटस डायग्नोस हो जाए पाइलेक्टेसिस के साथ, तो उसकी कैसे मॉनिटरिंग करेंगे प्रेगनेंसी में, और उसका क्या चांस है कि वो खत्म हो जाएगी डिलीवरी के बाद? तो ज्यादातर दो किस्म के, देखें दोनों सूरतें अलग अलग हैं, एक है कि फीमेल बेबी है उसको फीटस है जिसको पाइलेक्टेसिस होते हैं, और एक एक मेल फीटस को पाइलेक्टेसिस होता है, तो दोनों अलग तरीके से तसव्वुर की जाती हैं। दूसरा ये कि पाइलेक्टेसिस जो है वो किस हमल के किस दौरान पता लगा है, दूसरा ये कि एक गुर्दे की तरफ है, दोनों गुर्दों की तरफ है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं, सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है और उसके बाद फैसला करना पड़ता है। लेकिन जो आसान जवाब है वो ये है कि ज्यादातर 100 में से 95% प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, और जैसे फीटस बाहर आता है तो उस वक्त तक खत्म हो चुकी होती हैं। मेरे ख्याल है कि 4 से 5% ऐसे होते हैं जिनको हमको रेगुलर फॉलो करना पड़ता है, यानी कि वो भी पाइलेटेसिस जो कि बड़ी पाइलेटेसिस हो, और बड़े पाइलेटेसिस को हम कहते हैं कि अगर उनका साइज 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 15 मिलीमीटर या उससे ज्यादा हो, तो वो हम बड़ी पाइलेटेसिस कहते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एक और आखिरी चीज़ के मुताबिक मैं, हम हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ फीटस के मुताबिक और बेबी के मुताबिक, और फिर डॉक्टर शाजियाज के मुताबिक थोड़ा सा बताएं। एक चीज जो कि पाकिस्तान में एक और कॉमन चीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस खवातीन को भी होती है, हमारे यहाँ
अच्छे खासे जो पेशेंट्स हैं वो घर के अंदर लोग रहते हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे से ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिशन जो ट्यूबरक्लोसिस की होती है वो खांसी से होती है, सांस साथ साथ लेने से होती है, और एक दूसरे को लोग इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। छोटे बच्चों को आमतौर से अगर ट्यूबरक्लोसिस मदर से आए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसकी अमूमी अलामतें जो हैं वो बच्चे का ग्रो ना करना है, IGR जिसको हम कहते हैं, बच्चे का इन यूट्रो ही एबॉर्ट हो जाना है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, बेबी का सर्वाइव ना करना है, हेड्रॉप्स हो सकता है यानी कि बेबी अंदर फूल जाए और आगे ना बढ़ सके, और अगर पैदा हो जाए यानी कि आखिरी मरहले के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस उसको पहुंचे तो वो आखिरी मरहले के अंदर अगर हमल के हो तो सर्वाइव तो कर जाता है लेकिन उसके इम्पैक्ट से लिवर के ऊपर, जिगर के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर और दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर अगर आपकी फैमिली में कोई ही कोई सस्पिशियस हो कि ट्यूबरक्लोसिस का कोई मरीज है, या नियर नियर पास, नियर पास का मतलब होता है कि पिछले एक साल के अंदर जिसका ट्यूबरक्लोसिस का इलाज हुआ हो, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को छुपाएं नहीं बल्कि अपने फिजिशियन से डिस्क्लोज करें, क्योंकि आपका बर वक्त टेस्ट आपके हमल के बच्चे को और हमल के बाद बेबी को पैदा होने के बाद हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। डॉक्टर शाजिया, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे खवातीन आती होंगी जो का एक्सपोजर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के साथ होता होगा, तो आप इसके मुताबिक क्या हमारी बहनों को बताना पसंद करेंगे? जी, तो अगर किसी को भी शिकायत है कि खांसी है या हल्का हल्का बुखार रह रहा है या बलगम की शिकायत है, उन लोगों को फौरी तौर पे ये अपने टीबी का टेस्ट कराना चाहिए। और क्योंकि मैं ज़्यादातर मरीज़ हमल के दौरान ही देखती हूँ, तो अगर हमल के दौरान भी किसी का टीबी का पता चलता है तो भी इलाज बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो टीबी की दवाएं हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ हैं और वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और वो आराम से दी जा सकती हैं। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि अगर हम किसी को टीबी का इलाज कर रहे हो और फिर वो स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में और फिर डिलीवरी के बाद, तो फिर आप लोग BCG वैक्सीनेशन के लिए क्या करते हैं बच्चे का, उसको देना ये चाहिए बहुत, या नहीं? हाँ हाँ ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि अगर एक बहन है उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, तो पहली बात ये कि ट्यूबरक्लोसिस कहाँ की हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस है उसका इलाज डिफरेंट है, उसका इलाज कुछ कम अरसे के लिए है। दिमाग की टीबी है उसका इलाज कुछ ज़्यादा अरसे के लिए है। मसल्स की, पट्ठों की है उसका इलाज अलग तरीके से है। और ये कि ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ है, ये बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, सेकेंड में हुआ था या थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ था, सबके एक अलग अलग एल्गोरिथम है जिसके हम बात फॉलो करते हैं। तो सपोज करें कि कोई मेरी बहन थर्ड ट्राइमेस्टर में डायग्नोस होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए और 3 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया है, तो बिल्कुल हम उसको आराम से जो है बच्चे को कोई टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे को आराम से मदर के साथ भी रख सकते हैं, बच्चे को आराम से BCG वैक्सीन भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर कोई मेरी बहन अचानक से पता लगता है और बच्चे की पैदाइश से 10 दिन या 2 हफ्ते पहले से भी कम पता लगता है कि खुदा ना खासा ट्यूबरक्लोसिस का एक्सपोजर हो चुका है, या ऐसा एक्सरे या कोई ऐसी अलामत जाहिर हुई जिसमें टीबी का खदशा बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसे बच्चे को हम BCG की वैक्सीन नहीं लगाते। हम पहले मदर को आइडेंटिफाई करते हैं और बच्चे का इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन होती है BCG की, और वो खुदा ना खासा इन्फेक्शन भी कर सकती है ऐसे बच्चों के अंदर जिनके मुदाफ़त निज़ाम की कमजोरी हो, और ऐसे भी कि उसके अंदर पहले से डिजीज मौजूद है तो उसको बर्डन ना कर सकें। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल करने का। लेकिन आमतौर से अगर मदर को 2 हफ्ते की दवाई मिल गई हो, सपोज करें कि मेरी कोई बहन 2 हफ्ते की मुकम्मल टीपी की दवाई ले लेती है और उसके बाद डॉक्टर शाजे के पास आकर डिलीवर करती है, तो इसका मतलब है कि हम बच्चे को माँ से अलग नहीं रखेंगे, बच्चे को माँ के साथ ही रखेंगे, मदर फीड कराएगी आराम से, और लेकिन बच्चे को दवाई शुरू जरूर करनी होगी। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए कुछ अलामतें थीं और जो हमने आपको बताया। अब हम अपने बिल्कुल आखिरी मिनट में दाखिल होते जा रहे हैं प्रोग्राम के। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर शाजिया का। डॉक्टर शाजिया, अगर आप कुछ आखिरी रिमार्क्स देना चाहें और उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा, प्लीज। नहीं, बहुत शुक्रिया इसमें हमें मौका देने का कि हमने यहाँ पे आके बात की, और उम्मीद है कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेकिन यह है कि अगर कोई सवालात अभी भी दिमाग में है किसी के, तो आप इस चैट बॉक्स में लिख दें तो उसको हम जवाब फिर आपको दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर, डॉक्टर, इतनी डिटेल बात मैं डिस्कशन की, आ खान थैंक। यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी मार्केटिंग की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें इस काबिल समझा और एक मौका दिया ताकि हम लोगों के सवाल का जवाब दे सकें। डॉक्टर शाजी ने बहुत मुफीद मालूमात हमें फराहम करी,
मैंने कोशिश करी कि न्यूबॉर्न के मुताबिक आपको बता सकूं कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शन से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। हम आपका कोई भी सवाल हो बिल्कुल जैसे डॉक्टर शाजी ने कहा चैट बॉक्स में हमें लिख के हमारी मार्केटिंग टीम हम तक पहुँचाएगी और हम जरूर आपको आंसर करेंगे। डॉक्टर अली फैसल, डॉक्टर शाजिया मशीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।